नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन कैसे हो। कॉलम निगार है हामिद मीर और आवाज है नादिया सबा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubah.org। इस बहस का अब कोई फायदा नहीं कि जो इलेक्शन 6 या 7 नवंबर 2023 को होना था वो 8 फरवरी 2024 को क्यों होगा। आईने पाकिस्तान के मुताबिक कौमी असेंबली खत्म होने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना था, लेकिन अफसोस कि आईन पर अमल ना हो सका। सदर मुमलिकत ने भी अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में डेड लॉक खत्म करवाया और यूं 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन करवाने पर इत्तफाक हो गया। इलेक्शन की तारीख का ऐलान एक मस्बत पेशरफ्त है, लेकिन असल चैलेंज ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन ना हो बल्कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन का इनाकाद करवाया जाए। अगर 2024 में वैसा ही इलेक्शन हुआ जैसा 2018 में करवाया गया था तो पाकिस्तान आगे नहीं पीछे जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के ज़ेरे एहतमाम लिटरेचर फेस्टिवल में बहुत से नौजवानों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि क्या 8 फरवरी का इलेक्शन फेयर एंड फ्री होगा। मैं इस सवाल का जवाब देने से कतराता रहा, लेकिन जब नौजवानों ने इसरार किया तो मुझे ये कहना पड़ा कि पाकिस्तान की सियासी तारीख ये बताती है कि 8 फरवरी का इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं होगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। पहले जरा ये बता दूं कि धांधली पाकिस्तान की एक तारीखी हकीकत है। तारीख बड़े काम की चीज है। जो कौमें तारीख से सबक नहीं सीखती उनका जुग्राफिया बदल जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल 1970 का इलेक्शन है। 7 दिसंबर 1970 को कौमी असेंबली की 300 नशिस्तों के लिए इलेक्शन हुआ। अवामी लीग ने 167 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 86 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। जनरल याहिया खान की फौजी हुकूमत ने अक्सरियती जमात को इक्तदार मुंतकिल करने की बजाय उसके खिलाफ फौजी ऑपरेशन कर दिया और यूं भारत को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने का मौका मिल गया। अवामी लीग के नौजवानों ने मुक्ति बाहिनी के नाम से एक अस्करी तंजीम बनाई और भारतीय फौज के साथ मिलकर रियासत के खिलाफ जंग शुरू कर दी, जिसका नतीजा बांग्लादेश की सूरत में सामने आया। पाकिस्तान का जोग्राफिया बदल गया, लेकिन हमने तारीख से सबक ना सीखने की ठाने रखी। 1977 के इलेक्शन में एक बार फिर धांधली के खिलाफ शोर मचा और जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला दी गई। उस तहरीक का नतीजा जनरल जियाउल हक के मार्शल लॉ की सूरत में निकला। जनरल जिया ने मार्शल लॉ नाफिज करने के 8 साल बाद 1985 में गैर जमाती इंतखाबात करवाए, जिनके नतीजे में मोहम्मद खान वजीर आजम और नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब बने। 1988 में जनरल जियाउल हक ने जुनेजो को बरतरफ कर दिया क्योंकि वजीर आजम ने सदर के एक माली की मुदत मुलाजमत में तौसी करने से इनकार कर दिया था। जुनेजो को बरतरफ करने के कुछ अरसे बाद जनरल जिया एक फजाई हादसे का शिकार हो गए, जिसके बाद 1988 के इंतखाबात हुए। उन इंतखाबात में ISI के सरबरा जनरल हमीद गुल ने पीपल्स पार्टी के मुकाबले पर IJI बनाई, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली में अक्सरियत हासिल कर ली। पंजाब में IJI को अक्सरियत दिलवाई गई और नवाज शरीफ वजीर आला बन गए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बमुश्किल 2 साल भी पूरे नहीं किए थे और सदर गुलाम इसहाक खान ने 1990 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को वजारत उज़्मा से बरतरफ कर दिया। 1990 के इंतखाबात में एक बार फिर ISI ने धांधली की, जिसकी तफसील असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बताई गई है। फिर सदर गुलाम इसहाक खान ने नवाज शरीफ को वजीर आजम बनवाया और 3 साल बाद उन्हें बरतरफ कर दिया। 1993 के इंतखाबात में नवाज शरीफ जेरे इताब थे, लिहाजा नतायज पीपल्स पार्टी के हक में आए और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो दोबारा वजीर आजम बन गयी। 1996 में उन्हें दूसरी मरतबा बरतरफ किया गया और 1997 के इंतखाबात में नवाज शरीफ को दोबारा वजीर आजम बनाया गया। 2 साल बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को इख्तदार से बाहर निकाल दिया। नवाज शरीफ जेल में गए
और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पहले से जिला वतन थी। 2000 में नवाज शरीफ उस वक्त की हुकूमत से एक डील के जरिए सऊदी अरब चले गए। 2002 में मुस्लिम लीग नून को तोड़कर मुस्लिम लीग काफ बनाई गई। इंतखाबात में मुस्लिम लीग काफ को जितवाया गया और मीर जफरुल्ला खान जमाली वजीर आजम बन गए। उन्हें 2004 में फारिग करके पहले चौधरी शुजात हुसैन और फिर शौकत अजीज को वजीर आजम बनाया गया। 2008 के इंतखाबात में मुशर्रफ ने मुस्लिम लीग काफ को हरवा दिया क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर मुशर्रफ की छुट्टी करवा दी। 2013 में इंतखाबात हुए तो नवाज शरीफ तीसरी मर्तबा वजीर आजम बन गए। इमरान खान ने उन पर धांधली का इल्जाम लगाया और ISI के सरबरा जनरल जहीरुल इस्लाम की मिली भगत से नवाज शरीफ के खिलाफ धरना दिया। धरना तो कामयाब ना हुआ, लेकिन इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के जरिए नवाज शरीफ को नाअहल करवाने में कामयाब हो गए। 2018 के इंतखाबात में जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान को वजीर आजम बनवाने के लिए सियासत में खुल्लम खुल्ला मुदाखलत की। जब इमरान खान वजीर आजम बन गए तो कुछ अरसा बाजवा की बहुत तारीफें करते रहे, लेकिन फिर उन्हें साजिशी करार दे दिया। जिस तरह जनरल जिया अपने ही लाए गए जुनेजों के साथ ना चल सके, इसी तरह बाजवा भी अपने ही लाए गए इमरान खान के साथ ना चल सके। ये कोई राज नहीं रहा कि इमरान खान के लिए 2024 का इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल है। उनके साथ वही होगा जो 2018 में नवाज शरीफ के साथ हुआ। 8 फरवरी 2024 को एक और धांधली ज़दा इलेक्शन से पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। अगले इलेक्शन में धांधली का रास्ता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रोक सकती है। सुप्रीम कोर्ट के एक 3 रुकनी बेंच जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जस्टिस जवाद एस ख्वाजा और जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन ने 2012 में असगर खान केस में जो फैसला तहरीर किया, उसके पैरा 99 में वाज़े तौर पर लिखा कि ब्यूरोक्रेट्स हुकूमत के गैर आइनी अहकामात मानने के पाबंद नहीं। आगे चलकर कहा गया कि ISI, MI या IB को सियासत में मुदाखलत और इंतखाबात में जोड़ तोड़ से परहेज करना चाहिए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने असगर खान केस का जिक्र फैजाबाद धरना केस के फैसले में भी किया। सुप्रीम कोर्ट असगर खान केस के फैसले की रोशनी में रियासती इदारों को सियासत में मुदाखलत से रोक कर 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को काफी हद तक फ्री एंड फेयर बना सकती है। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।